दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपनी खूबियों को नहीं पहचानेंगे तो कोई और जरूर पहचान लेगा और शायद उसको आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर लेगा। आप सुन रहे हर्षवर्धन प्रोले को वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते आज की कहानी। दोस्तों आज की कहानी में लाया हूं जंगल से। एक जंगल में एक बहुत शानदार हिरन हुआ करता था और शानदार इसलिए था क्योंकि उसके बहुत सुंदर सिंह हुआ करते थे। जंगल में जितने भी हिरन थे उनमें सबसे सुंदर सिंह अगर किसी के थे तो वो इसी हिरन के थे, और ये बात उस हिरन को पता थी। उसके सुंदर सिंह उसको बहुत पसंद भी थे और इस बात का उसको अभिमान भी था। तो दोस्तों एक दिन जब ये हिरन पानी पीने के लिए नदी किनारे गया तो पानी में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा और उसको दिखे अपने सुंदर सिंह और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। जब भी वो हिरन अपनी परछाई को पानी में देखता तो उसके चेहरे पर हमेशा ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि उसको लगता कि ये सिंह जो उसको मिले हुए ये भगवान की दी हुई सबसे बड़ी देन उसके लिए है, ये शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी एबिलिटी है। लेकिन जब भी अपनी परछाई को पूरी तरह से देखता तो उसको दिखते उसके पतले से पैर, उसके छोटे से पैर, और इस बात का उसको हमेशा ही अफसोस होता। उसको अफसोस इस बात का होता कि जितने सुंदर सिंह उसको भगवान ने दिए हुए अगर उतने सुंदर पैर उसको दे देता तो शायद वो इस दुनिया का सबसे सुंदर जानवर हो सकता था। एक ऐसा ही दिन था जब हिरन अपने आप को पानी में निहार रहा था और खुश हो रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उसके कान खड़े हो गए। उसको सुनाई दी शेर की एक जबरदस्त दहाड़ और उसको समझ में आ गया कि उसके पीछे शायद एक शेर खड़ा है जो उसको खाने के लिए कभी भी उसके ऊपर कूद सकता है। जैसे हिरन को अंदाजा हुआ शेर के होने का, हिरन ने तुरंत ही वहां से दौड़ लगाई और कोशिश की कि अपने आप को बचा सके शेर का खाना बनने से। हिरन अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बीचों बीच भाग रहा था और उसी के पीछे पीछे शेर भी आ रहा था ताकि आज उसको एक बेहतरीन सा डिनर मिल सके। लेकिन जब वो हिरन भाग रहा था तो उसको गुजरना पड़ रहा था बहुत सारी झाड़ियों के बीच से, बहुत सारी पेड़ों की शाखाओं के बीच से। लेकिन जब वो उन पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजर रहा था तो उसको बहुत सारी चोटें भी आ रही थी, क्योंकि जंगल कोई आसान जगह नहीं थी क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर उसको जान बचानी थी तो उसको भागना ही था, वो चोटों को सहन करना था। बहुत भाग दौड़ के बाद, बहुत जबरदस्त जिद्दोजहद के बाद उस हिरन ने शेर से अपना पीछा छुड़ा लिया था, अपनी जान बचा ली थी, और इस भाग दौड़ में वो बहुत बुरी तरह से थक भी चुका था। उस थकान को मिटाने के लिए वो फिर से एक बार नदी किनारे पहुंचा अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन इस बार जब नदी में उसने अपनी परछाई देखी तो उसके चेहरे पर एक बहुत घोर निराशा आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पानी में उसकी परछाई उसको बहुत क्लियर तरह से बता रही थी कि जिन सिंहों पर उसको बहुत अभिमान था, जो सिंह उसको बहुत पसंद थे, वो बहुत बुरी तरह से इस भाग दौड़ में टूट चुके थे और अब वो उतना सुंदर नहीं था जितना कुछ देर पहले तक दिख रहा था। लेकिन जब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे उसकी नजर फिर से एक बार पड़ी उन पैरों की तरफ जिनको पूरी जिंदगी में उसने कभी भी पसंद नहीं किया था। आज उसको जिंदगी में पहली बार रियलाइज हुआ कि भगवान की दी गई बहुत सारी एबिलिटीज में से जो सबसे ताकतवर एबिलिटी उसके पास थी वो थे उसके पैर। लेकिन जिंदगी भर वो अपने पैरों को इग्नोर करते रहा, उनसे नफरत करते रहा और अभिमान फील करते रहा उन सिंगों पर जो सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती बढ़ाने के काम आ रहे थे। लेकिन जब जान बचाने की बारी आई तो उसकी जान बचाने के एफर्ट में सबसे बड़ा हिंड्रेंस अगर कोई चीज साबित हुई तो वो थे उसके सिंग। जब भी वो झाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश करता, जब भी पेड़ों की शाखाओं को क्रॉस करने की कोशिश करता, उसके सिंग उन झाड़ियों में फंस जाते और उसकी गति को कम करते, और शायद वो एक कारण बन सकता था उसकी मौत का। उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि अपनी एबिलिटी सही तरह से पहचानना जरूरी है और अपनी एबिलिटीज को सही तरह से स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है। उस दिन उस हिरन ने डिसाइड किया कि जिंदगी में फिर से कभी सुपरफिशियल एबिलिटीज पर वो प्राइड फील नहीं करेगा और अपनी सारी एबिलिटीज को सही तरह से आंकेगा, हर एबिलिटी की ताकत को पहचानेगा और अपनी ताकत को इतना बढ़िया तरह से बढ़ा देगा कि जिंदगी में फिर से कभी उसको अपनी जान खतरे में डालने का मौका ही सामने ना आए। तो दोस्तों हम इंसानों के साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। भगवान के दिए हुए बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी एबिलिटीज, बहुत सारे गिफ्ट्स के बावजूद भी हम हमेशा प्राइड फील करते हैं सुपरफिशियल चीजों पर। लोग प्राइड फील करते हैं अपने पैसे पर, लोग प्राइड फील करते हैं अपने पावर पर, पोजीशन पर, अपनी खूबसूरती पर, जो कि बहुत टेम्पररी है, बहुत सुपरफिशियल है। लेकिन जो हमारी असली ताकत है वो है हमारा परिवार, हमारा सोशल सर्कल, हमारा कैरेक्टर, हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटीग्रिटी, और इन सारी बेहतरीन चीजों को हम बहुत कैजुअली इग्नोर कर देते हैं। अगर कभी कोई हमको ये सवाल पूछे कि हमको किस चीज़ पर गर्व महसूस होता है, किस चीज़ पर हम अभिमान फील करते हैं, तो हम उनको हमारी अचीवमेंट्स गिनाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपका जो पैसा है, आपकी जो खूबसूरती है, वो समय के साथ गायब हो जाएगी, लेकिन रह जाएगा आपके साथ आपका ट्रू सेल्फ, आपके अपने लोग। तो दोस्तों पहचानिए अपनी असली ताकत को जो जिंदगी के शुरुआत से लेकर जिंदगी के अंत तक आपके साथ रहने वाले, और वो चीजें शायद हो सकती है आपका कैरेक्टर, आपकी नेचर, आपके दोस्त, आपका परिवार। क्योंकि जब बुरा समय आता है तो आपकी ट्रू एबिलिटीज, आपका ट्रू टैलेंट, आपके ट्रू कंपेनियंस ही आपकी मदद करते हैं उस बुरे समय से बाहर निकलने के लिए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप कोशिश करेंगे अपनी सही एबिलिटीज पहचानने के लिए, अपनी सही कंपेनियन चूज करने के लिए, जो आने वाले हर बुरे समय का सामना करने के लिए आपको सही ताकत दे सके। तो दोस्तों इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।